डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि को चेन्नई एयरपोर्ट पर एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने हिंदी न बोल पाने के कारण उनसे पूछा कि क्या वो भारतीय हैं। सीआईएसएफ ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कनिमोझी ने सीआईएसएफ के तुरंत रिस्पॉन्स देने और एक्शन लेने पर धन्यवाद भी दिया। कनिमोझी तमिलनाडु के तूतीकुड़ी से सांसद हैं। वह डीएमके की महिला शाखा की सेक्रेटरी भी हैं। कनिमोझी के साथ यह घटना तब हुई जब वह इस रविवार दोपहर दिल्ली आ रही थीं। उन्होंने ट्वीट किया, आज एयरपोर्ट पर सीएसएफ के एक अधिकारी ने मुझसे पूछा क्या मैं भारतीय हूँ। मैंने अधिकारी से तमिल या अंग्रेजी में बात करने को कहा था क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कब से हिंदी जानने का मतलब भारतीय होना हो गया है। कनिमोझी ने लिखा, सिर्फ इसलिए कि आप किसी एक धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं या एक विशेष भाषा नहीं बोलते हैं तो आप कमतर भारतीय नहीं बन जाते। मुझे लगता है कि इस देश की महानता इसकी विविधता है। कहीं ना कहीं हम ये खो रहे हैं। सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर ने कनिमोझी के इस ट्वीट पर घटना की जांच कराने का आश्वासन दिया है। सीआईएसएफ ने कनिमोझी से यात्रा का पूरा ब्यौरा मांगा है और हवाई अड्डे, तारीख और घटना का समय बताने को भी कहा है। सीआईएसएफ ने कहा कि ये उनकी पॉलिसी नहीं है कि किसी एक भाषा पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है।